हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे 6 मार्च को रिलीज हुई कनाडा फिल्म द्रोणा के टोटल 5 दिनों के रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म ने टोटल 5 दिनों में कितने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किए हैं और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी कनाडा फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रमोद चक्रवर्ती, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं महादेव वापा, मेन स्टार कास्ट में लिखेंगे कनाडा के मजे हुए सितारे शिवराज कुमार, रवि किशन, और साथ ही साथ लीडिंग स्टार कास्ट में देखने को मिल सकती हैं इनाया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की जर्नल की, तो दोस्तों आपने इस फिल्म का अगर ट्रेलर देखा होगा तो आपको इस फिल्म की ट्रेलर में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन सीन और साथ ही साथ ड्रामा का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस फिल्म में म्यूजिक दिया है राम किशन ने। अगर बात की जाए रनिंग टाइम की, रन टाइम काफ़ी लंबी रखी गई है। दोस्तों, इस फिल्म के रन टाइम है लगभग 157 मिनट। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के मूल रूप से बजट की, दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि फिल्म बनकर तैयार हुई लगभग 13 करोड़ के बजट में, प्रिंट पब्लिसिटी यानी कि प्रमोशन प्रचारिंग में खर्च किए लगभग 1 करोड़, टोटल फिल्म के बजट होते हैं लगभग 14 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए स्क्रीनिंग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता एक साथ कनाडा में कई फिल्में रिलीज होने के कारण सबकी स्क्रीन बढ़ गई और द्रोणा मूवी की बार बार रिलीज डेट टालने के कारण इस फिल्म का बज जो था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, इसलिए इस फिल्म को उतना स्क्रीन भी नहीं मिल पाए और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी नहीं करती दिख रही है। दोस्तों, अगर बात की जाए स्क्रीनिंग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया है लगभग 400 स्क्रीन पर, ओवरसीज में इस फिल्म को स्क्रीन मिले हैं लगभग 100 स्क्रीन, टोटल इस फिल्म की स्क्रीन होते हैं लगभग 500। दोस्तों, अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें फर्स्ट डे इसमें कलेक्शन किया था लगभग 1 करोड़ के आसपास, जो कि बेहद ही नॉर्मल कलेक्शन कहा जा सकती है। सही रूप से इस फिल्म का प्रचारिंग और प्रमोशन ना करने के कारण इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। दूसरे दिन इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। दूसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 80 लाख के आसपास। तीसरे दिन यानी कि संडे को इस फिल्म ने कलेक्शन किया था सिर्फ 75 लाख के आसपास। दोस्तों, अगर बात की जाए चौथे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 50 लाख के आसपास। पाँचवें दिन यानी कि आज जिस हिसाब से उसका पेंसिल जो डाटा सामने निकल के आई है, आज ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है लगभग 40 से लेकर 45 लाख के आसपास। दोस्तों, इस फिल्म के 5 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होते हैं लगभग 3 करोड़ 50 लाख का, वही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं लगभग 4 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किए हैं लगभग, दोस्तों इस फिल्म के टोटल 5 दिनों में आल कलेक्शन होते हैं लगभग 4 करोड़ 50 लाख का। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना कलेक्शन करना है, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की टोटल बजट थी लगभग 14 करोड़। अगर ये फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइड से 25 से लेकर 30 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये फिल्म तभी हिट का विकेट पाएगी। तो दोस्तों, क्या लगता है फिल्म हिट हो पाएगी, अपनी बजट निकाल पाएगी? जो भी हो कमेंट जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कनाडा फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।